नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का चैप्टर 5 आज लेने जा रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हम लोग चैप्टर 5 तक बना चुके हैं, इससे पहले का आज हम लोग लेंगे चैप्टर 5। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं आपको, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। हम ट्राई कर रहे हैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की, और जल्दी हम एक नए पेज पे सर का नंबर पब्लिश करेंगे जहाँ से आप सर का नंबर ले सकते हैं। बहुत से यूज़र नंबर लेना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे हैं सर का, तो हम सर का नंबर भी जल्दी से जल्दी पब्लिश करेंगे पेज पे, और वहां से जाके आप देख सकते हैं नंबर। जो नंबर की रिक्वायरमेंट है बस इतनी सी है कि सर को आप लोग 5 से 6-7 के बीच में फ़ोन करिएगा। दोपहर में मत करिए क्योंकि सर कोर्ट में होते हैं, बिजी होते हैं, और मॉर्निंग में मत करिएगा, मॉर्निंग में बिजी होते हैं, शाम के टाइम ही फ्री होते हैं, तो शाम के टाइम ही कॉल करिएगा। चलते हैं सर के पास, श्री शेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर आज हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर 5 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चैप्टर 5। जी, इसके पहले हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर ही चैप्टर 4 पे बनाया। जी, उसमें हमने ये दिखाया था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए कौन से प्राविधान है जी, और कौन लोग किस अपराध में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें जो चैप्टर 5 में उसी के आगे ये है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या बाधाएं हैं और उसके लिए जो परमिशन की जरूरत है जी, वो कैसे हो सकता है, है ना, कहाँ परमिशन की जरूरत, कहाँ नहीं, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन, सैंक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक सर्वेंट जी, ठीक है, ये चैप्टर 5 है। मिसलेनियस प्रोविजन है इस चैप्टर में, तो मैं इसमें सेक्शन 19 धारा 19 कहेंगे, है ना, 19 धारा 19 पे चर्चा करेंगे। इसमें यह है कि कोई जो लोक सेवक है उसके विरुद्ध अगर कोई प्रोसिक्यूशन करना है, ठीक है, न्यायालय या स्पेशल न्यायाधीश तब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता जब तक कि उसके लिए सक्षम अधिकारी से, अथॉरिटी से परमिशन ना हो जी, ठीक है जी। इसके लिए जो लोकपाल अधिनियम, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 1913 में जो पास हुआ जी, उसके सिवा जी, ठीक है, धारा 1 में है, ए जो भी परमिशन की जाएगी अगर कोई लोक सेवक सेंट्रल गवर्नमेंट के नियोजन में है, नियोजन कहते हैं इम्प्लाई को, है ना जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध अगर कोई अभियोजन होना है तो उसके लिए कम से कम वो प्राधिकारी होना चाहिए जो उसको अपने सीट से हटा सके, हटाने का आदेश दे सके, ठीक है। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है, नियोजित है, तो उसके लिए उसे कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी के द्वारा ही जो उसको अपने पद से हटाने का अधिकार रखता हो या ऑफिस से हटाने का जो अधिकार रखता हो उससे बिना परमिशन के प्रोसिक्यूशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नंबर 1 ए, बी अगर जिस लोक सेवक के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही चल रही है उसके विरुद्ध प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए अगर वो राज्य सरकार का नियोजित है, एम्प्लाई है, तो कम से कम वो अथॉरिटी होना चाहिए जो उस कर्मचारी को, उस लोक सेवक को अपने पद से हटाने का क्षमता रखता है जी। और ऐसे में जो राज्य सरकार का नियोजित कर्मचारी है उसको राज्य सरकार के परमिशन के बिना कोई कार्रवाई अभियोजन की नहीं की जा सकती जी। तो दो चीज हो गई, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर इम्प्लाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत है जी, और अगर राज्य सरकार का इम्प्लाई है तो राज्य सरकार का, ठीक। सी अगर ये राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय ना हो, ठीक है, तो सी में ये है कि कम से कम वो अथॉरिटी होना चाहिए जो लोक सेवक को अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। जैसे कहीं कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई है, कहीं कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लाई है, उसके अलावा भी लोक सेवक, जैसे सेबी गवर्नमेंट कोई पद है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के का एम्प्लाई है ना स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लाई, ऐसे स्थिति में
कम से कम उसको अपने ऑफिस से डिटैच करने वाला अफसर अथॉरिटी होना चाहिए जो उसको अपने पद से हटा सके जी, वो उसके परमिशन के बाद ही कोई इंक्वायरी की जा सके। ठीक है तो ये इसको प्रोटेक्शन प्राप्त है ऐसे लोक सेवक को जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में है जो लोक सेवक है ना उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में तभी हो सकती है जब इसके लिए परमिशन। ठीक है जो जिसकी वजह से न्यायालय पर प्रोसिक्यूशन चलाना मुश्किल होता। अब उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। बहुत लोग अनावश्यक प्रोसिक्यूशन चलाने की कोशिश करते हैं है ना जी। और परमिशन इसलिए कर दिया गया कि जिससे इनके कार्य में बाधा ना जी, उसी का लोग दुरुपयोग करते ही है यानी। लेकिन ये एक तरह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करप्शन रोकने के लिए भी है और इसे बढ़ावा मिला। अच्छा हाँ इसमें कुछ और प्रावधान है हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार ऐसी भी स्थिति है कि जहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा जी वो तब है जब कोई इम्प्लाई रिटायर हो रहा हो चाहे उसने पहले रिटायरमेंट ले लिया हो जी ठीक या अपने समय पर रिटायर हुआ। ऐसी स्थिति में किसी परमिशन की जरूरत नहीं है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऐसे लोक सेवक के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है न्यायालय से जी। ठीक है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए खास तौर से ऐसे जो लोक सेवक हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं या रिटायरमेंट लेने वाले हैं उनको जो धारा 13 में मैंने बताया था कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो माने जाते हैं जी। और उसमें गंभीर 4 से 8 वर्ष तक या 5 से 10 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है ऐसे लोक सेवक को जिसमें कर्मचारी भी है उनको अपनी आमदनी के रेशियो में ही संपत्ति अर्जित करनी चाहिए या अपनी संपत्ति के ब्यौरा का लेखा जोखा बनाए रखना चाहिए। ये आपने प्रीवियस पार्ट में बताया था मैंने बताया था ये कर्मचारियों के लिए सब ऐसे लोक सेवकों के लिए बहुत खतरा है जो अकूत संपत्ति जुटाए हुए जी। और अब तो वो संपत्ति सरकार में निहित भी हो सकती है तमाम संस्थाएं हो गई है। हाँ, ये प्रीवियस पार्ट में आपने बताया था इसलिए इनको होशियार रहना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये धारा 19 में ही है। अच्छा धारा 19 में ही जहाँ ये कहा गया है कि सैंक्शन के लिए मजबूर किया गया है कि कोई प्रोसिक्यूशन तभी हो सकता है जब राज्य सरकार जैसे नियोजित कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही तभी होगी जब परमिशन हो राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऐसी अथॉरिटी से जिनके वो संरक्षण जी। ठीक है लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर वो रिटायरमेंट किसने ले लिया है या रिटायर हुआ है अपने समय पर दोनों स्थिति में किसी परमिशन की जरूरत नहीं है नहीं, जी। ऐसे स्थिति में जो लोक सेवक है उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। तो इसलिए लोगों को अपने आमदनी का उसी के प्रपोर्शन में संपत्ति का लेखा जोखा हमेशा रखना चाहिए। ठीक है रिटायरमेंट के टाइम पे ताकि आप अगर कोई मांगे उसका ब्यौरा तो आप दे सकते। इसलिए सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक जो भी है लोक सेवक तो मैंने बताया है कि बहुत बड़े अर्थ में है ना इवन सरकार से जो कमीशन पे भी काम करते हैं वो भी उस समय लोक सेवक होते हैं। इन इम्प्लाईज के अलावा जो अधिक जो प्राधिकरण निगम या स्थानीय निकायों में काम करते हैं उनके वो सारे के सारे लोक सेवक होंगे। ठीक है अब लोकायुक्त तो जो मैंने बताया लोकायुक्त तो और लोकपाल जो ये 2013 में जो संशोधन आया है अभी तो खैर कहीं कहीं काम भी कर रहा है जी है ना ये अगर पूरी तरह से काम करने लगेगा जो अन्ना के आंदोलन से शुरू हुआ था जी तो उससे जो जितने ये ऐसे लोक सेवक हैं जो निर्वाचित होके जाते हैं है ना जी और पूरी तरह से लोक सेवकों को ही इस समय तो क्या पूछना है जी आधे देश का धन उन्हीं के पास है। अच्छा तो अगर इनका ये सक्सेस रहा लोकपाल तो गवर्नमेंट ने पोस्ट भी कर दिया जी और अगर सिर्फ नुमाइशी न रहे पद ये तो देश में धीरे धीरे भ्रष्टाचार कम होगा है ना इसलिए लोगों को आसान तो है प्रोग्रेस तो है थोड़ा लेकिन लोकतंत्र में धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हो सकता है। इसको एकाएक तानाशाही में तो तुरंत चेंज आई होगी
तो संशोधन सुधार देखने लगता है, लेकिन जो लोकतंत्र में है वो संशोधन धीरे धीरे आता है। जी ये धीरे धीरे लोगों के सहमत से ही सारा उसका ये कानून का प्रयोग किया जा सकता है ना। इसके अलावा हमने धारा 19 में भी बताया है, उसकी आगे ये है कि धारा 2 में है, पहले धारा 1 में ए बी सी बताया, ठीक है, अब धारा 2 उसी का है, 19 का पार्ट 2। आपने ए बी सी तीनों बता दिया। हाँ, पार्ट ए में। अच्छा। अब उसका पार्ट 2 है कि जहाँ ये ना तय हो पावे कि कौन सा अधिकारी किसका क्षेत्राधिकार है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत कर्मचारी था ये वो लोक सेवक काम कर रहा था जी। या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में जिस समय वो अपराध हुआ है, ठीक है, जिसका अभियोजन होना, उस समय वो जिस अधिकारी के अंडर में काम कर रहा था, जिस अथॉरिटी के साथ काम कर रहा था जी, और जिसे अधिकार उस समय उसको हटाने का अधिकार था, उससे संशय होना चाहिए। ठीक ठीक है ठीक। ये आपका है चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट, नहीं 19, सेक्शन 19 का है जी। ए फर्स्ट में हो गया, ए बी सी है ना, अब ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में है जी, कि अगर जो स्पेशल जज है अगर कोई आदेश कर देता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जी, तो उसको सिर्फ इस आधार पे उसमें निगरान अपील निगरानी या उसका पुष्टिकरण, उसमें जो न्यायालय होगा उसको भी रीजनल पावर होंगे, वो उसको तभी खारिज करेगा, तभी उसको पलटेगा। सिर्फ इस कारण नहीं कि ऑर्डर में उसका सैंक्शन नहीं हुआ, ओमिशन है, एरर है, ठीक है, इस आधार पर उसको नहीं उठेगा जी। अगर वो उस आदेश को क्वेश्चन करता है कोई सुपीरियर कोर्ट जो जिनको निगरानी का अधिकार प्राप्त है जी, तो उनको ये कारण देना पड़ेगा कि इसमें अन्याय स्थिति इस तरीके से अन्याय की स्थिति है ना। जब कहीं न्याय का मामला होगा, जहाँ अन्याय हो रहा हो, तभी वो ऐसे आदेश को निरस्त करेगा जी। सिर्फ इस आधार पर, क्योंकि ओमिशन एरर ये सब शब्द जो है ये इस माने में है कि परमिशन में त्रुटि हो सकती है, जैसे जो सक्षम अथॉरिटी है उसके अलावा किसी और से हो सकता है, ठीक है जी। तो इस आधार पर अगर कोई कोर्ट में अपील रिवीजन पड़ती है, ठीक है, तो उसको अगर कोर्ट पलटती है तो उसमें ये दिखा के सिर्फ इस आधार पर नहीं कि इसमें त्रुटि हो गई थी इस कारण इस आदेश को पलट दिया गया, बल्कि न्याय का कारण दिखा के ही उसको पलट दिया गया कि मतलब ये अन्याय हो रहा है इसी के साथ। हाँ, और इसलिए ये आदेश व्यस्त इसको इस कारण नहीं कि इसमें परमिशन में त्रुटि या कोई एरर आ गई, एजुकेशन में एरर है या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में एरर है, तो इस आधार पर उसे नहीं किया। धारा 3 की बी है कि अगर न्यायालय उस आदेश को अपील रिवीजन में उसको रोकता है ना, तो अगर स्टे भी स्टे करना हो तो भी उसको यही चीज देखना होगा कि एरर ओमिशन के आधार पर नहीं रुकेगा, बल्कि न्याय का कारण दिखाते हुए तभी उस आदेश को स्टे करेगा। और तीसरी बात यह है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर अगर है तो उसके खिलाफ कोई अपील रिवीजन लाइव नहीं करेगा जी, है ना। ये सुपीरियर कोर्ट को भले सीआरपीसी में आदेश उनको अधिकार है, सुपीरियर कोर्ट को जैसे स्पेशल जज के विरुद्ध अगर कोई अपील रिवीजन पड़ता है तो माननीय उच्च न्यायालय में पड़ेगा, है नहीं, तो उनको बहुत अधिकार है सीआरपीसी में, अनलिमिटेड पावर दिए गए हैं जी। उसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इस तरह से बात किया गया, रोक लगाया गया, ठीक है, बिना कोई खास न्यायिक कारण दिखाए उस आदेश को खारिज नहीं किया, या ये सिर्फ इसलिए बाधा न बने कि न्याय ना हो सके, बार बार लोग रिविजन करके इस्टे ले आते हैं जी, ठीक है, तो कोई स्थगन आदेश या निगरानी नहीं जारी करेगा। ये धारा 19 का सी मतलब थर्ड। हाँ, ये 15 का, ये चैप्टर 5 का थर्ड 19, सेक्शन 19 है। अच्छा, ये आपने बताया क्या कहते हैं चैप्टर 5 का, पहले आपने 1 बताया। हाँ, चैप्टर 5 का 19 है, सेक्शन ये 19 है पूरा का पूरा। अच्छा, पूरा सेक्शन 19 है। हाँ, चैप्टर 5।
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, पार्ट फर्स्ट बताया, फिर पार्ट फर्स्ट का एबीसी बताया और फिर पार्ट टू बताया, फिर पार्ट थर्ड बताया। सर एक क्वेश्चन यूजर बार बार पूछ रहे हैं जो हम देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपसे पूछ लेते हैं। जॉब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे लोगों को अगर 44A जो होता है 41A में अगर नोटिस मिल जाती है, जी 41A में अगर नोटिस मिल जाती है या फिर केस से बरी हो जाते हैं, तो वो लोग जानना चाह रहे हैं क्या गवर्नमेंट जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम होगी या मतलब आसानी से। जिसके विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चल रहा है, सिर्फ FIR दर्ज होने से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके लिए कोई जॉब में प्रॉब्लम नहीं होती है। जी ठीक है जी। या अभियोजन की कार्रवाई भी चल रही है तो भी कोई कार्य मतलब उसके आधार पर उसको जॉब से वंचित नहीं किया जा सकता। जी काफी लोग मतलब परेशान है इस चीज़, जब तक कोई कन्विक्शन ना हो। जी ठीक है, अगर कोई कन्विक्शन हो जाता है उसमें भी अगर फाइन तक है तो कुछ नहीं। जी ठीक है जी। अगर कोई ऐसी सजा हो जाती है 1 महीने 2 महीने साल भर 10 साल जी, तो वहाँ प्रॉब्लम इस तरीके से क्या कोई कैटेगरी डिसाइडेड है कि गवर्नमेंट की कि इसके बाद फिर वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है जी। अलग अलग विभाग अपने हिसाब से जॉब वो डिसाइड करता है सर, गवर्नमेंट की कोई ऐसी कोई सूची नहीं है, ऐसी कोई कैटेगरी, कोई अपराधी नहीं होना चाहिए उनका, सिर्फ इतना मतलब। जी नहीं ठीक है सर, थैंक फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स आपने देखा किस तरीके से सर ने आज एक्सप्लेन किया, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। देखिए हम ट्राई कर रहे हैं आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की, कभी कभी शेड्यूल मैच नहीं करता है, सर बिजी रहते हैं या मैं बिजी रहता हूं, तो उस कारण से वीडियो नहीं आ पाता, बट आप परेशान ना होइए, आने वाले टाइम में हम आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे और सर को डिटेल में पूछेंगे कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिले। जो लोग नंबर की डिमांड कर रहे हैं, हम एक नया पेज बनाएंगे सर की वेबसाइट पर जिसपे हम वो नंबर डाल देंगे, आप नंबर पे बात कर सकते हैं, बट वो नंबर आप कोशिश करिए कि उस पर आप 5 से 7 के बीच में ही कॉल करिए, दोपहर में कॉल मत करिए, क्यों हमें पता है आप परेशान हैं, बट सर थोड़े से बिजी रहते हैं, दोपहर के टाइम में कोर्ट में होते हैं और मॉर्निंग के टाइम में तो बहुत बिजी होते हैं, तो शाम के टाइम ही कॉल करिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए ताकि आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आए तो आप तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।